एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर का एक इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन ये बोल रहा है, शो दैट द फंक्शन जो जा रहा है आर से आर में जा रहा है, रियल नंबर से रियल नंबर में जा रहा है, डिफाइंड बाई एफ एक्स, क्या देखकर रखा है एक्स ब्रैकेट में 1+1/3 साइन लॉग एक्स स्क्वायर। जब ये फंक्शन था जब एक्स की वैल्यू नॉन जीरो और एफ जीरो पे जीरो दे रखा है, बोल रहा है कि इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नो डिफरेंशियबल एट द ओरिजिन, कि हर एक जगह पर तो ये कंटिन्यूस है लेकिन ओरिजिन पर डिफरेंशियबल नहीं है। ठीक है, तो देखिए ओरिजिन फंक्शन किस पर डिफाइन नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो पे है ये चीज, तो बाकी सब जगह पर तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। हमारे जो डाउट हमारे मन में वो सिर्फ जीरो पर है, और आपको कंटिन्यूटी पता है कि डिफाइन क्या होती है, जिस पॉइंट पे हम निकालते हैं उसका एलएचएल बराबर होना चाहिए आरएचएल, और उस पॉइंट पे बराबर होना चाहिए, यानी कि फंक्शन जीरो पे जीरो है, हमारा एलएचएल भी जीरो आना चाहिए और आरएचएल भी जीरो आना चाहिए, तभी वो कंटिन्यूस होगा। तो हम पहले कंटिन्यूटी चेक करते हैं, तो एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, देखिए एफ जीरो तो हमारे पास क्या है, जीरो है, तो हम पहले एफ जीरो प्लस जीरो निकालते हैं, यानी कि आरएचएल। ठीक है, राइट एंड लिमिट फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एस टेंड टू जीरो फंक्शन जीरो प्लस एच, क्योंकि जीरो पे चेक करें तो जीरो प्लस एच, यानी कि क्या रखना है, ये चीज रखना है, यानी जहां जहां आपको एक्स दिख रहा है वहां पर आप क्या रख दो, सिर्फ एच रख दो, तो लिमिट एस टेंड टू जीरो एच इंटू 1+1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर, बस एक्स की जगह पर मैंने क्या रख दिया है, एच रख दिया है। अब देखो एच कहां जा रहा है, टेंस कर रहा है जीरो पर, करो दो, देखो यहां से जीरो इंटू अंदर क्या है, सम फाइनाइट क्वांटिटी, सम क्या है फाइनाइट क्वांटिटी, कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आएगी अंदर, जो भी कुछ फाइनाइट क्वांटिटी आएगी, और जीरो को किससे मल्टीप्लाई करते तो क्या होता है, जीरो है ना। इसी प्रकार से जब आर एल एच एल निकालोगे, एफ जीरो माइनस जीरो निकालोगे, यानी कि लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ जीरो माइनस एच, यानी कि एच की जगह पे जब आप माइनस एच रखो कोई दिक्कत नहीं, माइनस सामने आ जाएगा, बाकी तो वही रहेगा ना, देखो लिमिट एच टेंस टू जीरो यहां पे आ जाएगा माइनस 1+1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर, क्योंकि माइनस एच का स्क्वायर तो एच स्क्वायर हो जाएगा, फिर जीरो इंटू समथिंग फाइनाइट क्वांटिटी क्या जाएगा, जीरो, तो सिंस क्या लिखोगे, एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ जीरो, तीनों चीज बराबर हो गई, हेंस इट इज कंटिन्यूस। ठीक, कंटिन्यूस तो हो गया, अब हमें बात करनी है किसकी, इसके डिफरेंशिएबिलिटी की, चलिए अब वो देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी। अब हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, यानी कि राइट हैंड डेरिवेटिव बराबर होना चाहिए लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट एच टेंस जीरो फंक्शन जीरो प्लस एच माइनस फंक्शन जीरो अपॉन एच, राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, यानी कि यहाँ से क्या बन रहा है, लिमिट एच टेंस जीरो फंक्शन एच माइनस फंक्शन जीरो। फंक्शन एच यानी कि एक्स की जगह पर आपको क्या रखना है, एच रखना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा एच और फंक्शन जीरो पे तो जीरो ही वैल्यू है, नीचे क्या आ जाएगा एच आ जाएगा। ठीक है, देखिए इस एच से या एच क्या कर सकते हैं, आप कैंसिल आउट कर सकते हैं। ठीक है, ये चीज आपको मिल जाएगी। हमारे पास क्या आया, लिमिट एच टेंस टू जीरो 1/3 साइन लॉग एच स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज एच की वैल्यू आप जब यहाँ रखोगे तो ये ऑसिलेट्स करता है, ये जो साइन की जो वैल्यू होगी ना वो ऑसिलेट करती है 1 और -1 के बीच में, इसकी वैल्यू ऑसिलेट करती है, यानी कि ये एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक, एग्जिस्ट नहीं करेगा, आर एफ डैश एग्जिस्ट नहीं करे, सिमिलरली आपका जो एलएफ जीरो है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। सो जो डिफरेंशिएबिलिटी है